हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। डिस्क्लेमर ले लो, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे मतलब पहले पता नहीं था, मेरा कोई पहले प्लान नहीं था कि आज मार्केट बंद है तो मुझे मतलब पढ़ाना है या कुछ समझाना है, तो वो चीज़ एकदम बनी थी। तो लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत ही काम की है। तुम मंडे से उसको फॉलो कर सकते हो। बैक टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग कर लो, और बाकी वरना मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी है। और बीच में अपना वही पहले व्लॉग, उसके बाद अपना लास्ट में स्कैल्पिंग की सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी। ओके, वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं लास्ट में, कमेंट भी ज़रूर कर देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। आज जाना था बाइक सर्विस कराने, सर्विस सेंटर, लेकिन बारिश ऐसी आ गई आज तो, और ऐसी कड़कती बारिश में छोटा भाई आज भी स्कूल गया है। लगन है भाई, अभी तो फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन वही बात, अभी तो नहाना भी है यार, ब्रेकफास्ट भी करना है। देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि लाइब्रेरी तो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर ना थोड़ा सा रोड अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे ना कीचड़ हो जाता है जब कर रहे, तो लाइब्रेरी तो जाएंगे नहीं, बाइक सर्विस कराने जाएंगे। अदरवाइज़ वही बात है, बाइक सर्विस कराने जाना पड़ेगा, क्योंकि ना आज तो ट्रेडिंग का कुछ हो पाएगा, क्योंकि आज सैटरडे है। एंड देखते हैं क्या होता है। पराठा आज मम्मी ने प्याज के पराठे बनाए हैं, देखते हैं, बहुत टाइम हो गया यार खाए। तो गाइस, मैंने तो परोठे खा लिए, मम्मी बना रही है, अब अपने मम्मी के बन गए। मेरी कॉफ़ी तैयार है, कॉफ़ी पियेंगे अभी बैठ के, थोड़ी सी है, बहुत है। मिलते हैं बाद में, कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, आज क्या प्लान है, क्योंकि बारिश का मौसम तो अभी है ही, देखते हैं। तो गाइस, भाई का खाना देने जा रहा हूँ, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, 10 मिनट में उसकी रिसेस है, जान उसको पूछने वाले। ले लिया लंच बॉक्स, अबे यार बाइक भी निकालनी है, चलो मैं आके मिलता हूँ, आके बात करेंगे गाइस, अभी बहुत जल्दी है। गाइस चल रहे हैं बाइक की सर्विस कराने, जा रहे हैं, पहले राहुल को उठाऊंगा, वो तो लाइब्रेरी गया है भाई, इतनी बारिश में भी आज सही है, तो बस लाइब्रेरी से उसको उठा के फिर जाऊँगा अपना सर्विस सेंटर पे। मिलते हैं भाई वहाँ पे, मिलेंगे अब तो सर्विस सेंटर सीधा। बाइक की सर्विस कराई है अभी, हो गई ये बाइक खड़ी है, रेडी हो गई है, चलते हैं हम यहाँ पे। गाइस बाइक की सर्विस के बाद थोड़ी देर दुकान पे बैठा, पापा की हेल्प करवा दी शॉप पे, और अभी घर आया हूँ, देखते हैं अभी 2 बज रही है, खाना खाएंगे थोड़ी देर में। गाइस बारिश का मौसम है, मम्मी ने चावल बनाए हैं, चावल खा रहे हैं बस, अभी चावल खाने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। बारिश का मौसम तो है, अभी काफ़ी अच्छा ही मौसम है यार, क्या ही दिखाऊँ, यहाँ से नहीं दिखेगा, बाद में दिखाऊँगा छत पे जाके लंच के बाद, बाय। तो गाइस जैसा आपने थंबनेल देखा, अभी सुपर ट्रेंड बताना था मेरे को, सुपर ट्रेंड की एक स्ट्रेटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। अपनी जितनी भी मतलब स्ट्रेटेजीज हैं सारी इंडिकेटर बेस हैं, तो पता चलता है कि कैसे करना है, स्कैल्पिंग भी कैसे करनी है। तो मैं भी मतलब लैपटॉप पे मतलब कैमरा शिफ्ट कर रहा हूँ, वहाँ देखना, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप उसे अपना इम्प्लीमेंट करके देखना, डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। और जितना हो सके ना कम कैपिटल यूज़ करना, यूँ नहीं कि सारी कैपिटल यूज़ कर देना, बाकी स्कैल्पिंग में जितनी ज़्यादा कैपिटल हो उतना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कम पॉइंट्स मतलब मिलेंगे ना, मतलब अगर आप शेयर की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो अगर आपको 5 पॉइंट मिल रहे हैं तो अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हो सकता है, तो वो क्वांटिटी पे मैटर करता है। तो लैपटॉप पे देखो, अभी स्क्रीन पे देखो, समझो कि क्या बता रहा हूँ, और वो स्ट्रेटेजी सच में बहुत काम की है, कभी यूज़ करके देखना। तो गाइस ये कल की मार्केट थी, आज जैसा सैटरडे, अभी हम लगाते हैं इंडिकेटर अपना, वो जो सुपर ट्रेंड बता रहा था मैं, जो एक मिनट सुपर ट्रेंड एंटर, इसको लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद ना आप एक चीज़ अब देखना, जहाँ जहाँ ये मोमेंट दे रहा है ना, जहाँ जहाँ पे भी ये मोमेंट दे रहा है, अब जैसा यहीं ले लेते हैं, एंडिंग पे ले लेते हैं, हालांकि बैक टेस्टिंग भी करूँगा अभी, देखना सारी करके बताऊँगा। देखो यहाँ से इसने ग्रीन सिग्नल दिया, मतलब इस कैंडल पे, इस कैंडल के भी ये नहीं है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दे देगा ग्रीन सिग्नल, ये ग्रीन सिग्नल तब देगा जब ये रेड लाइन को इसको क्रॉस करेगा, इसको, तो इसको क्रॉस करने के बाद देगा कि हाँ अब ये मतलब मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ मूव करेगी। और स्कैल्पिंग में ऐसा होता है, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, अब जब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे एंट्री है, इसके लिए ऐसा है तुम्हें 6 घंटे ना बैठना पड़ेगा मार्केट में, एकदम देखना पड़ेगा, फुली फोकस्ड होके इस कैंडल की यहाँ पर एंट्री लो, अगली कैंडल उसके बाद देखो, छोटा सा स्कैल्पिंग में बस 10-15 पॉइंट हो जाए बहुत है, और उसके बाद यहाँ तक अगली कैंडल में यहाँ के टॉप पे या उससे अगली में एग्जिट कर दो,
पूरा ट्रेड तो कोई नहीं ले पाता, पूरा ट्रेड तो प्रोफेशनल को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। क्या पता उन्होंने अपना टारगेट यहाँ लगा रखा हो, मार्केट यहीं तक रह जाए, या यहाँ लगा रखा हो और उससे ऊपर चली जाए, तो फुली मतलब वो कन्फर्म तो कोई नहीं होता। लेकिन इतना है, एक या दो कैंडल होल्ड करो, उसके बाद एग्जिट हो जाओ। और SL रखना है उसी कैंडल का लो रख लो, या तो या फिर उससे प्रीवियस कैंडल का लो रख लो, और जब एक दो कैंडल हो जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, बात खत्म, सुपर ट्रेंड में इतनी। और यहाँ देख लो सेम थिंग, इस कैंडल पे ली एंट्री, यहाँ पे एंट्री लोगे क्योंकि शिफ्ट तो यहीं से होगा ना, जब इसको टच करेगा यहाँ शिफ्ट होने के बाद अगली कैंडल देखो पूरी बेयरिश कैंडल है तो उसमें एग्जिट कर दो, ज़रूरत ही नहीं है पूरा ट्रेड लेने की। और एक और चीज़, मार्केट खुलते ही कभी ट्रेड मत लो। मार्केट अब जैसे खुली 9:30 बजे खुलती है, उसके बाद यूँ नहीं है कि अगर तुम्हें देखो अब यहाँ देखो ये 9:30 बजे की है, 9:30 बजे मार्केट ये बता रही है कि अब मार्केट डाउन जाएगी। ये जो स्टार्टिंग जोन होता है ना, यहाँ पे तो कभी मत करो। उसके बाद जो मार्केट का जो शिफ्ट आता है ना, अब जैसे पूरा दिन ये ऐसे जोन में रहा, उसके बाद यहाँ शिफ्ट आया, यहाँ करो, ताकि तुम्हारा ना यहाँ पे जो मार्केट का ना फर्स्ट टाइम मतलब जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना 10:30 बजे तक का, बहुत मतलब वॉलीटिलिटी होती है उसमें, इसीलिए इस टाइम पे तो करना ही नहीं चाहिए। बैक टेस्टिंग में दिखा देता हूँ, इस कैंडल पे ही देख लो, यहाँ पे एंट्री ली, अगली कैंडल के टॉप पे भी एग्जिट कर दो या क्लोजिंग पे एग्जिट कर दो, बहुत है, अच्छे खासे पॉइंट्स तुम मतलब ले लोगे। एंड और देखते हैं, यहाँ देख लो इस कैंडल पे एंट्री यहाँ पे, और उसके बाद इसी कैंडल का देख लो लो कितना हाई गया, इसका देख लो कितना गया। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स अगर कवर करोगे ना तो डेफिनेटली स्कैल्पिंग में अच्छा कर पाओगे। और लो अगर स्टॉप लॉस अगर लगाना है उसी कैंडल का लो जिस कैंडल पे एंट्री है, या तो फिर उससे पिछली कैंडल का लो, बस इससे ज़्यादा मत रखना। यहाँ पे एंट्री ली, जैसे यहाँ पे एंट्री लेने के बाद सेकंड कैंडल देखो, तुम खुद भी कितना ही देख लेना, इस कैंडल पे एंट्री ली, यहाँ देखो लेकिन हमेशा टारगेट इतना रखना सिर्फ 10 से 15 पॉइंट, दिन में ट्रेड चाहे कम लो लेकिन जितने भी लो ना प्रॉफिटेबल होने चाहिए, लॉस ना हो। या तो एक दिन में ट्रेड ना मिलेगा ना तो भी चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, बस इतना सोच के आना। अब देखो यहाँ पे लॉस हुआ है, जैसे देखो जो है सो है, यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री और इसके लो को यहाँ पे टच किया, एग्जिट होएगा, बिल्कुल होएगा। यहाँ देख लो, यहाँ प्रॉफिट बन गया, यहाँ पे एंट्री ली, देख लो तीन अगली दो कैंडल, तो बस एक या दो कैंडल होल्ड करो और उसके बाद वेट करो बस। अब ये देखो यहाँ मार्केट खुली है 9:30 बजे, लेकिन एंट्री नहीं लेनी। हालांकि यहाँ पे अच्छा मूव दिया है मार्केट ने, लेकिन अपने को थोड़ी पता है कि भाई अच्छा मूव पक्का देगी ही देगी, क्या पता वो मतलब वापस रिवर्स हो जाती। तो स्टार्टिंग में कभी मत लो, शिफ्ट हो जाए ना मार्केट, जब शिफ्ट होती है तब एंट्री लो और उसके बाद चलते पड़ो। और देखते हैं, एक दो और दिखा देता हूँ, सुपर ट्रेंड का यही है। मार्केट देखो अभी पूरा दिन जो है पूरा दिन अप ट्रेंड में था, इस दिन ट्रेड ही नहीं लेना, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लॉस नहीं होगा बस, प्रॉफिट। अब जैसे यहाँ देखो इस कैंडल पे यहाँ पे गए, यहाँ तक आपको आराम से 10 से 20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। कितने उसकी है देखो, 430 और 510, 430 और 510 80 पॉइंट हो गया, 80 का था 40 पॉइंट तुम्हें आराम से मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बस यही है, इतना ही अपना वो छोटा सा SL और अपना या एक दो कैंडल में मूव देख लो, जितना तुम्हें 10 से 15 पॉइंट का लेके चलो, धीरे धीरे बन जाएगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे रेड वाले ने क्रॉस किया, इतना गया, अगर तुम्हारा यहाँ तक 10 पॉइंट बन रहा है तो ठीक है। अब एक मिनट को 10 पॉइंट दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, 285 है और 256 है, 255 285, 30 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट तुम्हें यहाँ पे कवर हो चुके। तो छोटे छोटे टारगेट्स पे काम करोगे ना देन डेफिनेटली तुम प्रॉफिट में रहोगे। ये दिन का स्टार्टिंग था, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने बताया, अब मैं स्टार्टिंग ओपनिंग हुई यहाँ से, कितनी बड़ी रेड कैंडल, तुम कितना लॉस झेलोगे यहाँ पे, जब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा SL ही नहीं होगा, प्रीवियस कैंडल ही नहीं है इससे पहले, इसकी प्रीवियस कैंडल तो ये है, यहाँ का SL थोड़ी होगा, इतने में तो तुम्हारा जितना अभी तक तुमने कमाया वो सारा ही जलेगा। तो इसीलिए डे के स्टार्टिंग में कभी नहीं लेनी, और इस दिन भी देखो कोई एंट्री नहीं है, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नुकसान नहीं होगा बस। यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एग्जिट कर दो, 10 से 15 पॉइंट अगर कमाने की सोचोगे ना तो बिल्कुल प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ देखो यहाँ पे ये विक ऊपर गई है, लेकिन इसने बताया नहीं कि हाँ अब मार्केट रिवर्स होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ देख लो, इस कैंडल पे एंट्री लोगे, यहाँ पे एग्जिट। तो इतना ही था सुपर ट्रेंड में,
एंट्री जहाँ लेनी है, मतलब बिल्कुल मार्केट के स्विच होते ही एंट्री लेनी है, प्रीवियस कैंडल कर लो या फिर सेम कैंडल कर लो, और उसके बाद एक या दो कैंडल में अपने 10-15-20 पॉइंट जितने कमाने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स पे काम करो और प्रॉफिट कमाओ, यही है इसमें। तो गाइस जैसा बताया सुपर ट्रेंड में वैसा ही करना, उसी कैंडल का लो या फिर प्रीवियस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस, और 10 से 15 पॉइंट का मतलब टारगेट अपना। इतना छोटे छोटे टारगेट पे काम करोगे डेफिनेटली लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट भी सही चलेगा। डेली चाहे 10 तो नहीं सॉरी, डेली चाहे 700 रुपये निकालो, लेकिन निकालो सही। 700 में से 50-60 रुपये तो अपने ब्रोकरेज चली जाएगी, वही टैक्स वैक्स सारा लगा लोगे। 650 रुपये अगर तुम्हें एक दिन के बच रहे हैं, धीरे धीरे करके जब तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाओ और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लो। ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे देन तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो भी हाई हो जाएगा। तो अभी जो सुपर ट्रेंड बताया उसको फॉलो करना, चाहे तुम मतलब ये जो मंडे आएगा अभी उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना एक बार पहले बैक टेस्टिंग कर लेना। मैं दोबारा कल करवा दूंगा एक बार रिवाइज, मंडे को कर लेना चाहे, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने खुद देखा है। स्कैल्पिंग में यही होता है, जितना जल्दी हो सके मार्केट में एंट्री लेके एग्जिट करना होता है, बस इतना ही। और स्टॉप लॉस मैंने तुम्हें बताई दिया, सेम कैंडल का लो, अदरवाइज प्रीवियस कैंडल का लो। अगर सेम कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो उसे नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, उस नेक्स्ट कैंडल को बनने दो, तो उसके बाद एंट्री ले लो। तो थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखना, यूँ नहीं कि भाई अगर 100 पॉइंट की कैंडल बन गई है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लूँगी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना, बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।